समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना, आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। राजधानी भोपाल में सिंगारपुर विधानसभा से गौतम टिटवाल को भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा का टिकट देकर विधानसभा उम्मीदवार बनाया और गौतम टिटवाल भी लगभग 24,000 मतों से विजय हुए। विधायक बनने के बाद सिंगारपुर विधानसभा के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और जनता ने कहा कि गौतम जी को ही मंत्री पद दिया जाए जिससे क्षेत्र में विकास कार्य हो सके। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में जो काम कर रही है उस सरकार का परिणाम है और मेरी विधानसभा क्षेत्र के जाबाज कार्यकर्ताओं सैनिकों को इसका श्रेय जाता है। उन सबके अथक परिश्रम से परिश्रम को पराकाष्ठा बनाकर उनने काम किया, ये श्रेय सब उसको जाता है। कहीं ना कहीं दूसरी बार जीतने में बहुत समस्याएं खड़ी होती हैं क्योंकि विधानसभा में, लेकिन आप दूसरी बार भी 24,000 मतों के लगभग से जीते हैं आप, तो किस तरीके आपने विकास कार्य करे हैं? मैं लगातार कार्यकर्ता की सेवाओं में लगा रहा। मैं 2008 से 2013 तक भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया था, उसके बाद 10 साल पार्टी की सेवा करता रहा। बीच में दूसरे विधायक जी रहे, उनने भी मेरी विधानसभा क्षेत्र में विकास का कार्य किया। मैं धन्यवाद देता हूँ राष्ट्रीय नेतृत्व को कि मेरे इन 10 सालों में मेरी पहचान की और मुझे सेवा का अवसर दिया और मैं लगातार निरंतर पार्टी की सेवा करता रहूँगा। जो आदेश पार्टी का प्राप्त होगा उसका पालन करूँगा। अब क्या भूमिका रहेगी आपके विकास कार्य में? कौन कौन से विकास कार्य रहेंगे जिन्हें आप पहली प्राथमिकता कराएंगे? हम विशेषकर मेरी विधानसभा क्षेत्र में चौमुखी विकास करने का हमने संकल्प लिया है और हर क्षेत्र में हम विकास करेंगे। क्या लाडली बहनों की वजह से भी आपको आदत जीत मिली मध्य प्रदेश में? स्वाभाविक है, आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश में लाडली बहनों का प्रभाव हुआ है। राजस्थान में दूसरे फैक्टर हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ में दूसरे फैक्टर हो सकते हैं, पर मध्य प्रदेश में बहनों का प्रभाव हुआ है और मध्य प्रदेश ने मामा को आशीर्वाद दिया है। आपकी विधानसभा इस बार अब जनता की मांग है कि आपके लिए इस बार मंत्री बनाया जाए, क्या कहना चाहेंगे? ये जनता का आशीर्वाद है। देखिए ये सब निर्णय भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व करता है। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ, अंतिम पंक्ति का आखिरी कोने में खड़ा हुआ सिपाही हूँ। पार्टी का जो आदेश होगा, दरी बिछाने का, झाड़ू लगाने का, जो आदेश पार्टी मुझे देगी मैं उस आदेश का अक्षरशः पालन करूंगा और फिर आपसे खिलाऊ सतत निरंतर 24 घंटे पार्टी की सेवा में और उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं और मतदाता बंधुओं का जिनने मुझे आशीर्वाद दिया उनकी सेवा में लगातार सेवा करता। आपके क्षेत्र से दूसरी बार विधायक बने हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए इनको? गौतम जी टिटवाल हमारे भाई जैसे हैं और आपने विकास के लिए बहुत पहले भी प्रयास किया है और आगे भी आप प्रयास करते रहेंगे। वो क्षेत्र की जनता का अथाह प्यार मिला है और हम क्षेत्र की जनता की आवाज़ है कि एक बार राजगढ़ जिले से गौतम जी टिटवाल को मंत्री पद के लिए मौका मिले तो कहीं राजगढ़ जिले का भी उद्धार करने में सहायक होंगे। मैं राधेश्याम महेश्वरी, सहारनपुर। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।